मेट्रो से भी इस शहर को जोड़ा जाएगा। शहर के अंदर ही 4 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। एलिवेटेड वॉकवे के जरिए मेट्रो स्टेशन को डायरेक्ट शहर की बिल्डिंग से जोड़ा जाएगा। 4 मेट्रो स्टेशन बनेगा, ये जो हम देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है। और कोई भी कमर्शियल वो 500 मीटर से ज़्यादा लेंथ में नहीं होगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से। दूसरा हम लोग कर रहे हैं कि उस मेट्रो स्टेशन से हम लोग एलिवेटेड वॉकवे बनाएंगे और हर एक स्टेशन, हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको इवन नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। वो एलिवेटेड वॉकवे से आप बॉम्बे में देखेंगे सब काफ़ी जगह बन रहा है, यहाँ शुरू से हम लोग बनाएंगे मेट्रो स्टेशन से हर एक बिल्डिंग को कनेक्ट करते हुए। 890 एकड़ के शहर में 110 ऊंचे टावर बनाए जाएंगे, जिसमें एक गुजरात का सबसे ऊंचा टावर होगा, जिसकी ऊंचाई 420 मीटर होगी। ये शहर गुजरात का कमर्शियल हब बनकर उभरेगा। यहाँ बैंक, एजुकेशन हब, होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस बनेंगे। यहाँ इंटरनेशनल कंपनियां भी अपने ऑफिस खोल सकेंगी। जब ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसमें 5 लाख डायरेक्ट जॉब होंगे, मोस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में और आईटी, और दूसरे 5 लाख होंगे जिसमें जो जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट जॉब। इसके लिए हम लोगों ने पूरे के सिटी में डेवलपमेंट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैसिलिटी हैं, सभी डेवलप किया है 1 मिलियन जॉब्स के लिए, और विद इन द एरिया करीब करीब 1 लाख आदमी रहेंगे। कमर्शियल के साथ साथ यहाँ रिहायशी टावर भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें 20,000 फ्लैट्स होंगे। साथ ही 890 एकड़ के इस शहर में सिर्फ 40% भूखंड पर निर्माण होगा, जबकि 60% इलाका ग्रीन एरिया होगा, जहाँ पार्क बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि हर एक कंज्यूमर्स, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे यहाँ काम करने वाले हों, उनको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डिटेल्स, उनकी यूटिलिटी पेमेंट, उनको टैक्सी चाहिए या दूसरे से कांटेक्ट करना चाहिए, ये सब हम लोग ऑटोमेशन वेरी इजीली वी कैन मेक इट अवेलेबल। शहर के बीचों बीच एक समृद्धि सरोवर बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बनाने की योजना है। गिफ्ट शहर में मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें एक साथ 60,000 कारों को पार्क किया जा सकता है। कार पार्किंग की बिल्डिंग को शहर की हर एक इमारत से जोड़ा जाएगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों के लिए बस और टैक्सी स्टैंड पर कंप्यूटराइज्ड रोड मैप लगाया जाएगा। हर एक इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी दूसरे सिटी में